अमेरिका के समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे डॉली नाम के जहाज ने सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक पर टक्कर मारी, जिससे न सिर्फ ये 948 फीट लंबा पुल टूटा बल्कि शिपिंग और सड़क परिवहन ठप हो गया। इस घटना के बाद फोकस में आया डॉली जहाज। हैरानी की बात यह है कि जहाज की मैकेनिकल सर्विस को लेकर हाल ही में कई सवाल उठ रहे थे, और ये कोई पहली बार नहीं कि डॉली की टक्कर की घटना सामने आई हो। 2016 में ऐसी एक और घटना हो चुकी थी। एक रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें इसकी खामियां बताई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके समुद्र में लगातार तैरता रहा। आइए इसकी कहानी जानते हैं। सिंगापुर में रजिस्टर्ड ये शिप ग्रीस की कंपनी ओशन बल्क के लिए दक्षिण कोरिया में बनाया गया था। इस वक्त जहाज को सिनर्जी ग्रुप चला रहा है, जो ऐसे जहाजों को किराए पर लेता रहता है। ये मालवाहक जहाज मंगलवार सुबह बाल्टीमोर के सीगर्ट मरीन टर्मिनल से श्रीलंका के लिए निकला था। मैरीलैंड के गवर्नर मूर ने बताया कि पुल की ओर बढ़ते हुए इस जहाज की गति में तेजी दर्ज की गई। वहीं मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक जहाज जैसे ही अपने रूट से भटकना शुरू हुआ और उसकी गति भी कम होने लगी। ये दोनों बयान अलग अलग कहानी कह रहे हैं। पुल के पास आते ही जहाज की लाइट बंद हो गई और शिप के फनेल से धुआं निकलना शुरू हो गया। डॉली जहाज की ये पहली घटना नहीं है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डॉली जहाज ने 2016 में एंटवर्प बंदरगाह पर एक पत्थर की दीवार वाली बर्थ पर टक्कर मार दी थी। जहाज जिसे 2015 में बनाया गया था, उसके कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा था, लेकिन जहाज बच गया। इसके बाद जहाज की मरम्मत की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि उस दुर्घटना के बाद जहाज को सिंगापुर के ग्रेस ओशियन प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया था। पिछले जून में एक नियमित सुरक्षा निरीक्षण में डॉली के प्रोपल्शन और सहायक मशीनरी से जुड़े कुछ गेज और थर्मामीटर से संबंधित समस्याएं पाई गईं। पर ये जहाज को रोकने का आधार नहीं थे, और ये साफ नहीं था कि वो क्या थे। आपको बता दें कि डॉली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे, वो सभी सुरक्षित हैं। जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी थी, जिसकी वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके लिए भारतीय क्रू की तारीफ की। अभी भी साफ नहीं है कि किस वजह से डॉली फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराया। वहीं इस दौरान पुल पर मौजूद 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी में गिर गए थे। ये पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। इनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 6 अभी भी लापता है। माना जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।